वेलकम बैक मक्कशा। तुम्हें आप कैसे हो नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। एक ऐसा खतरनाक फोन जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है कि इसको बाय करना है या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंदर अच्छी भी देखने मिलती है और कुछ ऐसी दो चार चीजें हैं वो थोड़ी एवरेज देखने मिलती है और उसको देखने के बाद लगता है कि फोन को बाय ही ना करो। बट कोई बात नहीं, 2 महीने से इस फोन को मैं टेस्टिंग कर रहा था और लगभग इसके अंदर 2-3 यहाँ पे बग फिक्सेशन के अपडेट भी आ चुके हैं और लेटेस्ट अपडेट के बाद ही मैं ये रिव्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ, तो सब कुछ क्लियर कट होगा, तो वीडियो कम्प्लीटली देख लेना। और वीडियो को सिंप्लीफाई करने के लिए पॉजिटिव, एवरेज और नेगेटिव इन तीनों सेक्शन में डिवाइड कर लेता हूं, तो इससे आपको इजीली पता चलता है। तो सबसे पहले ये फोन मैंने अमेज़न से बाय किया था 34,000 के अराउंड, 8GB 128GB। तो सबसे पहला यहां पे पॉजिटिव पॉइंट है इसका डिजाइन, और डिजाइन में भी एक कमी देखने मिलती है, बताऊंगा आगे। तो यहां पे देख सकते हो बैक पैनल ग्लास का देखने मिलता है, चमचमकता हुआ, ज्यादा ही ग्लॉसी है। ये मेरी दिक्कत है, मुझे ग्लॉसी डिजाइन पसंद नहीं आती है क्योंकि इसके ऊपर उंगलियों के वगैरह ज्यादा निशान आते हैं, पर यार ये मिरर जैसा इफेक्ट क्रिएट करता है। मतलब आप देख रहे हो ना, मतलब ऐसे आप देख रहे हो तो आप इसके बैक पैनल के ऊपर दिख जाते हो। तो हाँ, ये कोई गलत बात नहीं है, बट ये फिंगर के निशान इतने फास्ट लेता है ना, तो आपको हमेशा कवर यूज करना पड़ेगा। और बाकी जो बॉक्सी डिजाइन है ये भी काफी कमल की है, बट जो साइड फ्रेम है ना ये हमें प्लास्टिक की ही यहाँ पे देखने मिलती है। बट दिखने में तो मस्त दिखता है, बट ये ग्लॉसी फिनिश मुझे थोड़ी चुभ रही है, बाकी आपको पसंद आ सकती है। और यहाँ पे वेट भी इसका लगभग 192 ग्राम के आसपास देखने मिल जाता है, बट फ्रंट डिजाइन काफी कमल की है क्योंकि फ्लैट डिस्प्ले देखने मिलता है और पूरा का पूरा यहाँ पे बेजललेस, पूरा का पूरा प्रीमियम फील यहाँ पे दे पाता है। तो यहाँ पे हेडफोन जैक कहीं भी नहीं है 3.5mm वाला, बट अच्छी बात है कि यहाँ पे हमें देख सकते हो अलर्ट स्लाइडर यहाँ पे देखने मिलता है, और इससे आप फोन को रिंग पे, म्यूट पे और वाइब्रेट पे रख सकते हो। और ऊपर के साइड में हमें आयर ब्लास्टर का भी एक्स्ट्रा सपोर्ट देखने मिलता है, तो ये सही चीज है। तो डिजाइन ठीक ठाक है, बट ग्लॉसी फिनिश मुझे पर्सनली पसंद नहीं आती, आपको पसंद आ सकती है, तो ग्लास के साथ ये फोन देखने मिलता है। बाकी सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है इस फोन का डिस्प्ले। हाँ, 6.74 इंच का फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलता है, और जितना मैंने इंडोर में भी देखा और आउटडोर में भी देखा, इनफ ब्राइटनेस देखने मिलती है, और चाहे हर्श लाइट कंडीशन भी हो तो डिस्प्ले टकाटक यहाँ पे विजिबल हो जाता है। इवन YouTube के अंदर 4K HDR का सपोर्ट है, और Netflix के ऊपर भी मैंने देखा तो HDR 10 का सपोर्ट देखने मिलता है। और जैसे आप YouTube पे 4K HDR वीडियोस प्लेबैक करते हो तो ब्राइटनेस हल्की सी बूस्ट होती है, जैसे कि मैंने Vivo V27 देखा था तो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा बूस्ट हो रही थी एज कम्पेयर टू OnePlus Nord 3, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, HDR वीडियोस 4K मस्त चला पाता है। इवन 1080p HDR वीडियोस मैंने देखी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा कॉन्ट्रास्ट फील आता है बट इतना ज्यादा महसूस नहीं होता है। तो कॉन्टेंट वॉचिंग में कोई दिक्कत नहीं है, मस्त उभर के कलर्स आते हैं, डीप ब्लैक वगैरह देखने मिलता है, तो वीडियो एक्सपीरियंस इस फोन के साथ मस्त ले सकते हैं, और बेजललेस है तो और ही ज्यादा मजा आता है। और उसके साथ मैं इंप्रेस हुआ इसके फिंगरप्रिंट स्पीड से, काफी कमाल का है, फास्ट है, क्विक है, इन डिस्प्ले वाला देखने मिलता है। और उसके साथ मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ इस फोन के ड्यूल स्टीरियो स्पीकर से, कितने लाउड है, कितने क्लियर है और कितने कमाल के है, ज्यादा लाउड है, मजा आता है सुनने में। और उसके बाद नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट आता है इस फोन की वाइब्रेशन मोटर, कमाल की यार, टक 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 फील देती है, चाहे आप कुछ टाइप करें, चाहे आप रिसेंट पे आके ऐसे पेजेस को स्क्रॉल कर रहे हो ना, तभी भी यहाँ पे यार क्लियरली टक 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 फील आता है, तो ये भी मस्त लगता है। उसके बाद मैंने 5G भी चेक किया, तो 5G में एक कमाल की बात मुझे देखने मिली, मतलब यही पॉजिटिव पॉइंट है 5G वाला, 9 5G के बैंड्स देखने मिलते हैं, बट कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा बेटर है। अभी यहाँ पे भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे भी 5G मुझे शो करता है, जो बाकी के फोन में 5G आता ही नहीं यहाँ पे घर के अंदर, तो ये काफी कमाल की चीज लगी। पता नहीं यार ये कैसे, बट 5G को बहुत ही अच्छे से पकड़ लेता है और स्पीड भी मुझे मस्त देखने मिली, तो 5G के रिगार्डिंग तो बिल्कुल दिक्कत इससे नहीं होगी। अब नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट आता है इस फोन का ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। देखो OnePlus भी फटाफट अपडेट पुश आउट करता है, और मैंने देखा है कि OnePlus के फोन ना स्टार्टिंग में थोड़े से अनस्टेबल होते हैं, बट उसके 2-3 महीने के बाद स्टेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं, वैसा ही कुछ सीन है इसके साथ। ये भी फोन धीरे धीरे यहाँ पे स्टेबल हो रहा है, और 3-4 सॉफ्टवेयर अपडेट्स ऑलरेडी आके जा चुके हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन OS 13.1 अभी करंटली देखने को मिल जाता है, और जितना मैंने सॉफ्टवेयर को यूज किया ना, ब्लूटूथ तो देखने को नहीं मिलते, इवन एड्स भी नहीं आती, बट आप कुछ मतलब डायरेक्ट ऐसे एंड्रॉइड के अंदर सर्च कर रहे हो ना, तो कभी कभी प्ले स्टोर से ऐप के रिकमेंडेशन आते हैं, बट उसको भी बंद कर सकते हो, बट ये एड जैसा फील नहीं होता, बट नहीं देना चाहिए। बाकी जितना मैंने सॉफ्टवेयर को यूज किया, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन बहुत ही ज्यादा स्मूथ देखने मिलते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा आगे किसके वजह से इतना ज्यादा स्मूथ है। और उसके साथ मैंने देखा कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ किया यार OnePlus ने। नॉर्मल आप सिस्टम के अंदर वगैरह स्क्रॉल कर रहे हो ना तो 120 हर्ट्ज मिलता है, बट जैसे आप थर्ड पार्टी एप्स के साथ देखते हो, जैसे कि ट्विटर हो गया 90 हर्ट्ज पे, इंस्टाग्राम हो गया 90 हर्ट्ज पे, यूट्यूब हो गया 90 हर्ट्ज पे, भाई साहब इतना तगड़ा पावरफुल फोन है, और 120 हर्ट्ज इनको देना चाहिए हर जगह,
तो थर्ड पार्टी एप्स के साथ 90 हर्ट्ज का सपोर्ट देखने मिलता है उसको आपको झेलना पड़ेगा। हाँ, इतना ज्यादा लैगी फील नहीं होता, बट 120 हर्ट्ज होता तो बेटर होता। 90 हर्ट्ज से तो 120 हर्ट्ज बेटर ही है। और बहुत सारे फीचर्स के साथ भी ये फोन आता है। कस्टमाइजेशन सेक्शन में जाके आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह चेंज कर सकते हो, उसके साथ प्ले स्टोर से ओवर डायल इंस्टॉल करके कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का भी कोई इशू नहीं है। बाकी यार वन प्लस एक अच्छा काम कर रहा है कि इसके अंदर 3 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे और 4 साल तक सिक्योरिटी पैचेस आएंगे, तो ये भी यार बहुत बड़ी बात है। तो ओवरऑल एंड एंड सॉफ्टवेयर के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा स्मूथ फील होता है सॉफ्टवेयर, बट जो 120 हर्ट्ज थर्ड पार्टी एप्स के साथ होना चाहिए ना वो नहीं है, 90 हर्ट्ज है। और वन प्लस को यार ये सुधारना चाहिए और हर जगह 120 हर्ट्ज का मजा देना चाहिए। बाकी 90 हर्ट्ज के साथ आप चला सकते हो तो वैसे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो सॉफ्टवेयर स्मूथ देखने मिलता है। तो सॉफ्टवेयर क्यों स्मूथ है, क्योंकि इसके अंदर पावरफुल प्रोसेसर का यूज किया है। जो यार इस प्रोसेसर के लिए मैं 2 बातें कहना चाहूंगा, जो सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है, बट गेमिंग के टाइम पे भाई क्या ही होता है इसको बताऊंगा आगे। तो Dimensity 9000 का ये प्रोसेसर देखने मिलता है, जिसके Antutu आप पकड़ के चलो 9 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में आ जाते हैं Antutu वर्जन 10 में। और CPU थ्रॉटलिंग की बात करें तो पहले बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल परफॉर्मेंस थी, बट आज के टाइम पे आफ्टर अपडेट्स यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग में भी इंप्रूवमेंट आया है। लगभग 86% की परफॉर्मेंस दे रहा है, ग्राफ ग्रीन ही रह रहा है और यहाँ पे 213,000 के आसपास एवरेज IPS स्कोर आ रहे हैं। और यूएफएस स्टोरेज 3.1 देखने मिलता है, तो उस हिसाब से रीड राइट स्पीड भी मस्त आता है। तो ओवरऑल मैं यही बोल सकता हूँ कि प्रोसेसर दमदार है, बट ये नॉर्मल टास्क वगैरह तो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है, बट ये प्रॉब्लम करता है गेमिंग सेक्शन के अंदर जो मैं बताऊंगा। बट अभी आप बोलोगे कि प्रोसेसर पावरफुल है तो बैटरी बैकअप कैसा देखने मिलता है, मतलब बैटरी में बहुत ज्यादा लोगों की शिकायत रही थी कि नॉट 3 के साथ बैटरी लाइफ कैसी है। देखो प्रोसेसर पावरफुल है, इसकी वजह से बैटरी फटाफट कंज्यूम करता है, बट आप कैसे भी फोन को यूज करो, हार्ड यूज करने के बाद भी और लाइट यूज करने के बाद ये फोन 6-7 घंटे का ऑन स्क्रीन दे पाता है। और हाँ, कभी कभी मैंने ये भी नोटिस किया है कि 10 में से एक बार ये बहुत फास्ट बैटरी ड्रेन करता है, 4-5 घंटे बीच में भी ऑन स्क्रीन दे पाता है। बट मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा गेमिंग खेलने के बाद भी और नॉर्मल यूज करने के बाद भी, मूवीज वगैरह देखने के बाद भी 6-7 आवर के बीच में ही इसका ऑन स्क्रीन रहता है। तो मैं यही बोल सकता हूँ कि ठीक ठाक से बैटरी लाइफ है, बट ज्यादा टॉप नॉच नहीं है, जैसे कि 6-10 घंटे के बीच में या 6-8 घंटे के बीच में ऑन स्क्रीन मिलता है, ऐसा नहीं है, 6-7 घंटे के बीच में रहता है। बाकी 80 वाट का फास्ट चार्जर इसके साथ देखने मिलता है, तो लगभग ये फोन 38-41 मिनट के बीच में फुल चार्ज हो जाता है। तो बैटरी बैकअप एंड फास्ट चार्जिंग का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको सही देखने मिलता है। तो आप ऐसे पकड़ के चलो कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको 10-15 मिनट ही है और उसके अंदर ही आपको फोन को चार्ज करना है, तो हाँ फास्ट क्विकली चार्ज हो जाता है, तो आपको बैटरी के रिगार्डिंग ज्यादा शिकायत नहीं होगी। तो यही थे फोन के पॉजिटिव पॉइंट। और अब बात करें इस फोन के एवरेज पॉइंट की, तो सबसे पहला है गेमिंग परफॉर्मेंस। तो मैंने सॉफ्टवेयर सेक्शन के अंदर ही बोला था कि जो प्रोसेसर है वो सॉफ्टवेयर के लिए अच्छा है, बट जो प्रोसेसर है गेमिंग के लिए एवरेज देखने मिलता है। तो गेमिंग सेक्शन के अंदर जैसे कि मैं BGMI ट्राई करता हूं, तो BGMI के अंदर स्मूथ प्लस 90 FPS भी देखने मिलता है, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम भी देखने मिलता है मतलब 60 FPS, और HDR प्लस एक्सट्रीम मतलब HDR के अंदर 60 FPS भी देखने मिलता है। बट गाइज जितनी मैंने गेमिंग ट्राई की ना, स्मूथ प्लस 90 FPS एक 5 मिनट के लिए 90 FPS रहता है, और फोन थोड़ा सा भी वार्म होता है तो 90 FPS गायब, 54 FPS के आसपास फोन आता है। इवन मैंने इसका जो गेम टर्बो या जो भी इसका गेम स्पेस है उसके सारे फीचर्स इनेबल किए थे, उसके बावजूद भी बिल्कुल FPS मेंटेन नहीं होता है और 54 FPS के नीचे ही इसका गेम प्ले आता है। चाहे आप TDM खेल रहे हो, चाहे आप शनोबुट कैम खेल रहे हो, चाहे कौन सा भी मैप खेल दो, अच्छा खासा FPS में ड्रॉप आता है। इवन 90 FPS तो छोड़ दो, 60 FPS भी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता, तो गेमर्स के लिए तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं रहेगा। हाँ आगे जाके मे बी वन प्लस थोड़ा सीरियस लेके गेमिंग इशू इसका फिक्स कर सकता है, क्योंकि वन प्लस 11R में ऐसे ही किया था, स्टार्टिंग FPS में ड्रॉप आते थे, बट उसको भी 4-5 महीने के बाद अपडेट देके इसकी भी गेमिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव की थी। चलो देखते हैं आगे इसके साथ क्या होता है, बट अभी फिलहाल गेमिंग के लिए ये फोन नहीं है। अब नेक्स्ट जो एवरेज पॉइंट है, मे बी आपके लिए नहीं हो सकता है, बट मैं मानता हूं कि मुझे ऐसे कलर पसंद नहीं आते, इसके वजह से ये एवरेज पॉइंट है मेरे लिए, वो है कि ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस। देखो मेन कैमरा 50 MP विद OIS देखने मिलता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड देखने मिलता है और 16 MP की सेल्फी देखने मिलती है। अब देखो मैंने जितने नॉर्मल शॉट लिए ना, डायनेमिक रेंज टकाटक आती है, बट जो कलर साइंस है ना, ये हल्का सा कॉन्ट्रास्ट आता है जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता। मैं भी यार किसी को पसंद आता हूँ, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कलर साइंस अपने अपने चॉइस होती है। उसके बाद मैंने पोर्ट्रेट मोड में ट्राई किया, तो इसके अंदर भी कॉन्ट्रास्ट फील आता है, बट एज डिटेक्शन वगैरह सही होता है और कुछ कुछ टाइम में एज डिटेक्शन में हल्की सी गड़बड़ करता है, बट आप ज्यादा ही पास में से फोटो लेते हो तो मस्त फोटो आते हैं पोर्ट्रेट मोड के भी अंदर। उसके बाद मैंने अल्ट्रावाइड भी देखा, तो अल्ट्रावाइड में इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं आती, 8 MP के हिसाब से काम करता है और बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट फील देता है। उसके बाद मैंने 50 MP से भी शॉट लिए, तो इसमें ठीक ठाक डिटेल्स देखने को मिल जाती है। और उसके बाद मैंने लो लाइट भी ट्राई किया, तो लो लाइट में भी ठीक ठाक से यहाँ पे फोटोज ये कैप्चर कर पा रहा था। और बाकी मैंने सेल्फी कैमरा ट्राई किया, तो ये तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आया, पूरा व्हाइट व्हाइट सा कर देता है। इवन सारे इफेक्ट वगैरह बंद करने के बाद भी पूरा गोरा गोरा बना देता है, पता नहीं ये क्यों ज्यादा ही गोरा बना रहा है। और सेल्फी के अंदर एच डिटेक्शन वगैरह तो सही यहाँ पे होता है। बाकी मैंने वीडियोग्राफी भी देखी, तो 4K 60 FPS का सपोर्ट देखने मिलता है और 1080p 60 FPS का भी सपोर्ट देखने मिलता है। 4K 60 FPS देखने मिलता है, बाकी वीडियो क्वालिटी और स्टेबिलाईजेशन यहाँ पे देख लेना।
दोनों के अंदर 1080p 60fps का सपोर्ट देखने को मिलता है। वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी और स्टेबलाइजेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं यही कह सकता हूँ कि कैमरा जिनको थोड़े से कॉन्ट्रास्टी नेचुरल कलर ज्यादा पसंद आते हैं तो उनके लिए तो ठीक ठाक है, बट मैं ज्यादा कॉन्ट्रास्टी कलर पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे मतलब इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। बाकी आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब बात करें इस फोन के प्रॉपर निगेटिव पॉइंट की, तो प्रॉपर निगेटिव पॉइंट तो ऐसा नहीं बोल सकते, बट हाँ यहाँ पे ना एक्स्ट्रा स्टोरेज इनको देना चाहिए था, क्योंकि अभी के टाइम पे 22-24 हजार में भी 256GB की स्टोरेज देखने मिलती है, तो ये अभी भी 128 पे अटके हुए है, बट इससे कुछ दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कोई निगेटिव पॉइंट मुझे देखने को नहीं मिला। तो बस यही थे इस फोन के पॉजिटिव एवरेज और नेगेटिव पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किए। सो फाइनल क्या इस फोन को बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं आपको क्लियर कट बोल देता हूँ, 34,000 इसको मत देना, ये 30,000 के अराउंड आता है तभी देख सकते हो। अदरवाइज आईक्यूनियो 7 प्रो भी है और इसका और उसका मैंने कंपेरिजन वीडियो भी बनाया है, वो भी आप चेकआउट जरूर कर लेना। बट आपको ब्रांड ज्यादा मैटर करता है, जैसे कि आपको वन प्लस का ही फोन चाहिए अंडर 30, तो इसकी तरफ आप तभी देख सकते हो। अदरवाइज आईक्यूनियो 7 प्रो भी बेटर है, उसमें भी गेमिंग और कैमरा अच्छा देखने को मिल जाता है। बाकी ब्रांड नेम आपको ज्यादा मैटर करता है तो इसकी तरफ देख लेना। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट वॉचिंग के लिए, नॉर्मल टास्क के लिए ये फोन एक नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी ड्यूल स्टीरियो स्पीकर तो इसके बहुत ही अच्छे है, और वाइब्रेशन मोटर भी बहुत ही अच्छी देखने मिलती है, और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी बहुत सही है। तो अंडर 30,000 देखने मिलता है तभी इस फोन को लेने की आप सोच सकते हो। बाकी यार वीडियो के अंदर सब कुछ तो मैंने क्लियर कट करके बताया है, उसको भी थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज कर लेना। बाकी आपको अपने लैंग्वेज में ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कौन से फोन का रिव्यू चाहिए वो भी नीचे जरूर कमेंट कर लेना। और आपके लिए ऐसे फोन मुझे बाय करने पड़ते हैं तो आपको थोड़ा भी अप्रिशिएट करना है, तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हो जिनको OnePlus Nord 3 लेना है, और वीडियो को लाइक कर सकते हो, 1,000 लाइक का टारगेट रखते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।